एकुंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर काल मूरत अजूनी सै भंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 4x4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6, इसको फैक्टराइज करना है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहला स्टेप यहाँ पे ना माइनस बाहर निकाल दिया और ब्रैकेट्स लगा दी। जब ब्रैकेट्स लगाते हैं माइनस का साइन बाहर हो तो अंदर वाले साइन बदल जाते हैं, देखो प्लस प्लस हो गए। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स केयर ही रहने दिया। 12x को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम एक्स टाइम 6, 12x ही होगा। तो प्लस 36 को 6 का स्केयर, आइडेंटिटी कौन सी बन रही है, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी के होल स्केयर के। सो वॉट इज ए इज एक्स, वॉट इज बी इज 6, x प्लस 6 का होल स्केयर। यहाँ पे 4x4 को क्या लिख सकते हैं, 2x स्केयर का स्केयर लिख सकते हैं। आइडेंटिटी ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन गया, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी। वॉट इज ए, 2x का स्केयर, वॉट इज b, x प्लस 6 का, x प्लस 6 लिख दिया a प्लस बी की जगह पे, a की जगह पे 2x स्केयर, b की जगह पे क्या लिख दिया, x प्लस 6 लिख दिया। सो अब मैंने इसको सॉल्व करा, ये बाहर माइनस था तो अंदर वाला प्लस माइनस हो गया, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। सो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 4x² प्लस 1 बाय 4x² प्लस 1। तो आप इस 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है। तो अब मैं 4x² को क्या लिख सकता हूँ, 2x² लिख सकता हूँ, 1 बाय 4x² को भी 1 बाय 2x² लिख सकते हैं उसका होल स्केयर। अब यहाँ पे 1 की जगह 2 माइनस 1 करा, आपके दिमाग में आया, ऐसा तुम्हारे दिमाग में कैसे आएगा। अब इतना तो आपको पता चल गया, 1 की जगह 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। जब क्वेश्चन का अंत होगा ना, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि हाँ लिखने का फायदा हुआ है। सो 1 की जगह 2 माइनस 1 लिख दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अगर 2x के साथ मल्टीप्लाई करूं, 2x के साथ डिवाइड कर दूं 2 को, तो फैक्ट तो खत्म ही कर सकता हूं ना। सो अफेक्ट तो खत्म ही है, मीन्स 2x के साथ मल्टीप्लाई करा, 2x के साथ डिवाइड करना, ऐसे करने का फायदा क्या हुआ, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 टाइम ए टाइम बी, मतलब ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab वाली आइडेंटिटी बन गई। और मेरे पास इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्केयर, वॉट इज ए 2x, वॉट इज बी 1 बाय 2x का होल स्केयर, और ये वाला 1 पीछे पड़ा रहा है, मैंने इसको 1 स्केयर लिख दिया, 1 स्केयर लिख दिया, 1 स्केयर लिख दिया। अब फाइनली मेरे पास फिर से आइडेंटिटी बन रही है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी ए माइनस बी, 2x प्लस 1 बाय 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 बाय 2x माइनस 1, क्वेश्चन खत्म हो गया।